तरह धुन तरह ना सब सुन ली। एक गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है, बेटा सबकर प्यारा होला, चाहे वो भगवान हो चाहे भक्त हो। तो बाबा विश्वकर्मा जी सुई से लेकर के जहाज तक बनाए और इसी में हम आप सब हैं, उन्हीं की सब कुछ देन है। लेकिन एक पवित्र बेटा की और माता का फर्ज क्या होता है? आई तो भाई हिरण भरम में दशरथ जी मारे श्रवण को तीर, अंधा अंधी पास में अबल कर बहाए नीर। सब बेटा अपनाई वैसन बा। वह एक श्रवण थे जिन्होंने अपने माँ बाप को लेकर कंधे पर ढोए तेगो उस श्रवण रहलन। आदिवान जी उस समय के श्रवण बनल, श्रवण में ये श्रवण में बड़ा फर्क है। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेकर जा रहे थे, जोर से प्यास लगी और उद्यान ऋषि उनके पिता थे श्रवण जी के और चंद्रकला उनकी माँ, कहती है बेटा हमें जोर से प्यास लगी है तनी पानी पिला दे। कांवर एक टहली पर टांग करके और गए पानी लाने के लिए और राजा दशरथ के हाथ से श्रवण का वध हो गया। यानी कि आवाज पर ही बाण मारने वाले थे, आवाज पर ही बाण जाना चाहिए, लेकिन जौना समय वो घरीला बोरलन है कमंडल बोरलन है, उस समय कमंडल पर न लग करके श्रवण के सीने में लगा। हाय राम कह करके गिरे, उठाए राजा दशरथ जी, सोच के लिए बड़ा अनर्थ हो गए, तमरे विराह में कलन गीत लगे। कौन गीत बा? अब तो नहीं बढ़ा तरा जो है हका चढ़ा दे बोए कहली तो फेल मर जी ना तो छला मिसे को जाई गश ते मिस करी ना वो सरक जाई। तरज बड़ी वही समय के जो ना समय सब गावे गुरुदेव ए घरी के तरज उहे बा। अब दिन भर तरज सुनले बड़ा पेट भर गेल है, खियाते नहीं कि खत्म होते नहीं खे। लेकिन ये तरज के देखा का अरे पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, भाव कितना बढ़िया है। मतारी कहती है बेटा से का कलश अरे काया जो ढेर खिसी आई गईला ये बचव भोला ना काहे कोहाई गईला।
पनिया से नीक लागे तुहारी जबनिया अरे कुछ तो बोला तबे पिया पनिया बचवा बोला न काहे को हाय गईला राजा दशरथ जी गिलन कहलन कमंडल लेके मतारी कले बेटा आ जाओ आओ मेरे पास कुछ बोल नहीं रहे हो पानी नहीं पियेंगे लेकिन पानी से नीक तो हर जबान लगेला तब एक बात और ही मतारी कहल ये दूसरी लाइन में कहा मतारी कहत है का कहलस अरे दयावनी अरवा दे सुहराई अरे कहे लजालो हाई तोहर माई बचवा बोला न काहे कोहाई गईला बाबू कुछ नहीं बोलो तुम मतारी कहती बेटा हम तो के जन्म दिले ही इसीलिए कहा गया है कि अमृत के धार केउ केतनो पियाई एगो माई बिना कैसे के करजवा जुड़ाई होए गो माई बिना काठे के सवत बर्दाश्त नहीं भइल बाबा विश्वकर्मा जी के दुल्हन के लेकिन माई के ऐसा ममता होला हो पंचे कि माई बात उन हमेशा अपने बेटा को उतना ही दुलार देती है कल हम जानत ही काहे नाराज हुआ एगो काम कर तू घरे चल जा तुहर घरवा नई नेबेली दुल्हनी है दुल्हनिया बदे नाराज हुआ भले हमने के अंधा अंधी है जा बेटा पानी ना फेल जाई खाई ना जाई हमने के जिंदगी बिता ले लेकिन तू चल जा तू नाराज नहीं होख बड़ी ऊंची बात मतारी कहती है का कहलस की तुहरे ही दिलवा के जानी ला बतिया अरे कुछ तू बोला ता बेटिया पनिया ये बचवा बोला न काहे कोहाई गईला बाला उस्ताद बतूले रहले हमरे गुरु बलिया के बाला उस्ताद गावे तो बतावे कि ऐसन जमाना बल आई ले बाबू ऐसन जमाना बल आई ले बाबू पतोहिया पर बुढ़वा लुभाई ले बाबू यूट्यूबर वाले भाई लोग से निवेदन बा ए लाइन के जरूर आप लोग छोड़ब भला उस्ताद बतावे कि ऐसा जमाना बे आई ले बाबू मेहर बेमालकिन और माई गुलाम बा माई के खाए बदे सतुआ जुलूम बाटे मेहरी के नाश्ता में किशमिश बादाम बा माई जो बोले तगरी से बात होला और मेहर के आरती हो सुबह शाम बा जबकि वही कभी माँ कभी सास कभी बेटी बनी है
आखिरी लाइन है मेरे गीत के, एक लाइन गीत लग गई, स्वर्गीय बेचन उस्ताद जवानी में हम गावे कैसे। तरजू है बाकी अरे ननदी भाऊजी आ दूना आये कसा मऊरिया तदुन हुन के पिया परा देसिया राम। ये घर के गीत चलत कि हाउ ना छुअल हाई ना कल हुआ ना खोदल। अरे पहले के पारंपरिक गीत रहे, लेकिन राजा दशरथ के दशा का हो। अरे राजा दशरथ जैसा आई पत्थर के मूरतिया, राजा दशरथ जैसे अरे पत्थर के मूरतिया छतिया बिहारी जाली सुनी सुनी के हो। राजा दशरथ चुपचाप खड़े कुछ बोलत नहीं हुए, माई कलश की बेटा बोलत ना हुआ, उदान निशी कलम बेटा बोलत ना ही हुआ, कुछ तो बेटा बोल देता। राजा दशरथ बताए का बतौलन है, कहलन की हम है अयोध्या पति। और हमारे गार्जियन आदरणीय श्री राजेश मास्टर साहब, बाबू भानु सिंह के आप मित्र हैं, दोस्ती हो तो ऐसी हो, 50 रुपये का सम्मान चढ़ो में कुर्च प्राम, आप सबके प्राम पर लगी है। का कहलन कहलन कि हम ही अयोध्या पति, हम ही अयोध्या पति, अरे दशरथ राजा ना बहुत बढ़िया है बाबू, घबराए के ना चाहिए, उजाए के ना चाहिए, खाली तू ले तरह धीरे धीरे, तोहरो के मजा आई हमरो के मजा आई, अभी नौजवान बड़ा चलता रहेगा ठीक है। हम है अयोध्या पति दशरथ राजा, अरे खेलने सिकार चाली, खेलने सिकार चली आई नहीं यही पना, आखिर में बता ले राजा असली बतिया, आखिर में बतावल राजा असली बतिया था छतिया बिहारी जाली सुनी सुनी के। राजा दशरथ कहते हैं हमें क्षमा करिए, मैं आपका बेटा नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, लेकिन मेरे हाथों से आपके बेटा श्रवण का वध हो गया, ये पानी पी लीजिए, लेकिन जेकर बेटा मर जाए बाबू वो कैसे बात उन पानी पी। अंधा अंधी कहते हैं कि जाओ राजन, आज बेटा के वियोग में हमनी के तड़पत ही जा, बेटा रहल तो बतावत रहल कि दिन बा कि रात बा, लेकिन आज बेटा नहीं, तब कहलन आपके जाओ राजन, जैसे बेटा के वियोग में आज तड़पत ही जा, तू भी किसी दिन अपने बेटा के वियोग में तड़पोगे। श्राप दे देते हैं, और श्राप दे के एगो बात कहलन, का कहलन सुनता सुनता अंधा स्वर्ग से धारे, सुनता सुनता अंधा स्वर्ग से धारे,
अब बोली अंधी माई जी अब क्या करे संहारे अरे कई बात लाई अब कई बात लाई अब तीन बाकी रतिया कई बात लाई अब तीन बाकी रतिया तो छतिया बिहारी चली सुनी सुनी के तीन बाकी बेटा था तो बताता था कि माँ अब शाम होने वाली है रात होने वाला है सुबह होने वाला है लेकिन जाओ राजा जैसे आज बेटा के वियोग में हम दोनों पानी तड़प रहे हैं किसी दिन तू भी अपने बेटा के वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राण को दे दोगे। वही हुआ बाबू उदान ऋषि है बेटा कह करके दम तोड़ दिए और चंद्रकला उनकी माँ भी अपने बेटे के वियोग में हाय बेटा कहते कहते अपने दम को तोड़ देती है। आखिरी लाइन है क्या कुसुमा पराग जादू स्वर्ग सिधारे बालय और काशिया रहिया अरे गंगाराम भरोसा हाई बरस नजरिया यही से कहल गिल बाबू धरती पर बाप मतारी से बड़ा कोई नहीं पूजा पाठ के साथ बाप मतारी के भी सेवा करे के चाहे यही से तम बतौले कि हमारा ना हुए बा रामे भरोसा रामे भरोसे बानी लास्ट लाइन अगर दोनों टूटी हुई तो क्षमा करेंगे संचालक महोदय गुरुजी। अरे गंगा राम गंगा और भरोसा राजा अरे बरसे नजरिया तो छतिया बिहारी जाली सुनी सुनी के बिहारी